जम्मू कश्मीर में लगी धारा 370 को लेकर हमेशा कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है, लेकिन आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसको लेकर के हमेशा विवादों में क्यों रहते थे और वो इसका विरोध क्यों करते थे। आपको बता दें, देश के जाने माने पत्रकार, बीजेपी प्रवक्ता और सांसद एम जी अकबर ने अपनी किताब कश्मीर बिहाइंड द वेल में लिखा है कि अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल किया जा रहा था, तब उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू के कैबिनेट में मंत्री थे और उन्होंने भी इसे स्वीकार किया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब उस वक्त मुखर्जी ने इसका समर्थन किया था तो ऐसा क्या हो गया जो मुखर्जी इसके खिलाफ हो गए। तो वहीं पत्रकार अकबर के मुताबिक मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा धारा 370 के मुद्दे पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच हुए समझौते के विरोध में दिया था। आपको बता दें, समझौते के बाद ही एक तरफ मुखर्जी ने इस्तीफा दिया और वो पहले से ही जनसंघ में शामिल थे, फिर क्या था, पाकिस्तान से रिश्ते की बात को लेकर के श्यामा ने बगावत शुरू कर दी और धारा 370 के खिलाफ हो गए। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।